न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र है, क्या इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं? यानी कि क्या यह हिंदू राष्ट्र शर्तों के साथ लागू है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो देखिए, गुरुग्राम का वीडियो है। जिस जगह पर मुसलमान नमाज अदा करते हैं, वहां पर एक बार फिर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। उस जगह पर गोबर के कंडे बिछा दिए गए। यह भी कहा गया कि हम वहां वॉलीबॉल खेलेंगे मगर नमाज अदा नहीं करने देंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात में विश्वास करता हूं कि सार्वजनिक जगहों पर सड़कों को रोककर ना नमाज अदा की जानी चाहिए ना दुर्गा पांडाल लगाए जाने चाहिए। यह मेरा निजी तौर पर विश्वास है। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस तस्वीर पर तालियां बजाई और कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है, अब यहां यह सब नहीं चलेगा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह हिंदू राष्ट्र शर्तों पर लागू होता है? आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में आप अपने हुक्मरानों से सवाल पूछते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश के अपर सुभानसिरी जिले में सारीचू नदी पर अब तक जहां पर चीन का एक मिलिट्री पोस्ट था, वहां पर 100 घरों का एक गांव बसा दिया है चीन ने। ऐसा अब तक नहीं हुआ मगर 7 सालों में चीन ने इतनी हिम्मत दिखाई। क्या हिंदू राष्ट्र में विश्वास करने वाले इन मतवालों ने कभी अपनी सरकार से पूछा है कि ऐसा कैसे हो गया? हिंदू राष्ट्र में तो हमें यह भरोसा दिलाया गया था ना कि हमारी सरकार जो है वो सैनिक तौर पर बहुत ताकतवर है। बात वहां नहीं रुकती। 1990 से जो बात कश्मीर में नहीं हुई वो अब जाकर हो रही है। सिख और हिंदू पलायन करने पर मजबूर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो गरीब मजदूर पलायन कर रहे हैं, जिन्होंने 35 साल से ऐसा कोई कदम वहां नहीं उठाया, क्या कभी पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र में यह सब कैसे हो रहा है? क्या हिंदू राष्ट्र में यह पूछने की इजाजत है कि पिछले 50 सालों में बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड्स वो टूट गए हैं? बताइए, आप में से वो लोग होंगे जो हिंदू राष्ट्र में विश्वास करते हैं, क्या कभी आपने बीजेपी सरकार से यह सीधा सा सरल सा सवाल पूछा? त्रिपुरा में क्या हुआ था? विश्व हिंदू परिषद ने रैलियां निकाली थी। कथित तौर पर इस रैली में उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया था, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया था और कई पत्रकारों ने जाकर वहां से रिपोर्टिंग की। 2 लड़कियां जाती हैं वहां पे, समृद्धि शुक्ला और स्वर्णा झा, दोनों HW न्यूज की पत्रकार हैं। त्रिपुरा पुलिस ने उन्हें बंदी बना लिया है। 2 महिला पत्रकारों को बंदी बना लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जमीनी स्थिति आप तक पहुंचा रही थी। आपको याद है हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में केरल का एक पत्रकार सदीक कप्पन हाथरस गया था और पहुंचने से पहले ही उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गईं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदू राष्ट्र में जमीनी स्थिति पर रिपोर्टिंग करना एक गुनाह है? क्या इस हिंदू राष्ट्र में यह आसान सा सवाल पूछना एक बहुत बड़ा गुनाह है? अब एक और चीज पर गौर कीजिए, यह चेहरा आपको याद है कि नहीं? दिशा रवि, आपको याद होगा दोस्तों, बहुत हल्ला किया गया था कि दिशा रवि ग्रेटा थनबर्ग एक टूल किट का हिस्सा है, यह टूल किट देश में तबाही मचाना चाहता है। और दिशा रवि को के बारे में यह भी कहा था कि यह खालिस्तानियों से मिली है। नोबेल पुरस्कार के लिए ग्रेटा थनबर्ग जो नॉमिनेटेड थी उनके बारे में भी कहा गया था कि वो खालिस्तानियों से मिली हुई हैं। अब आप जानते हैं दिशा रवि के मामले में स्वाभाविक सी बात है, कोई प्रमाण नहीं मिले क्योंकि मामला ही कुछ नहीं था। ना सिर्फ उन्हें छोड़ना पड़ा बल्कि अब वो मामला भी बंद किया जा रहा है। मगर आप जानते हैं उसे किस तरह से परेशान किया जा रहा है। दिशा रवि को बाहर एक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती।
भारत सरकार दिशा रवि को पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, एक 21-22 साल की छात्रा अगर बाहर जाकर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहती है, तो इस हिंदू राष्ट्र की नाक कैसे कट जाएगी अगर आप उन्हें पासपोर्ट तक नहीं दे रहे हैं? समझाइए मुझे कैसे। दूसरी तरफ आप इस हिंदू राष्ट्र का हवाला देकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं मीडिया संस्थानों को टारगेट करने के लिए, नागरिकों को टारगेट करने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के लिए। यह खबर आपको याद है कि नहीं? मोदी सरकार एक अध्यादेश ला रही है जिसमें सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो मुखिया हैं उनके कार्यकाल को 5 साल का किया जाएगा। आप जैसे जानते हैं कि इस वक्त 2 साल का है। मैं ये समझना चाहता हूं कि अध्यादेश के रास्ते फिर इस कदम को क्यों उठाया जा रहा है, ताकि जिन लोगों को आपने ईडी या सीबीआई में बिठाया हुआ है वो लोग इसी तरह से मीडिया संस्थानों को परेशान करें, विपक्ष के लोगों को 2024 तक परेशान करें, उन पर अंकुश लगाएं, उन्हें ब्लैकमेल करें। क्या ये तमाम चीजें हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हैं? इस हिंदू राष्ट्र में कुछ जवाबदेही है या नहीं है, या सिर्फ अपना शौर्य दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए मजलूमों, विद्यार्थियों, माइनॉरिटीज पर हमला करो, उन पर दमन करो? क्योंकि आप जानते हो उनकी तरफ से आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने वाली है। वो सिर्फ लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों। इस हिंदू राष्ट्र के 3 सबसे ताकतवर और सबसे प्रमुख चेहरे कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने क्या कहा। किसी और ने बात कही होती ना तो बवाल मच जाता। अमित शाह इस रैली में कह रहे हैं कि जब रावण मर रहे थे और मृत्यु शैया पर थे तो भगवान राम ने भरत को भेजा था उनसे सुशासन सीखने के लिए। सरासर हमारे रामायण का अपमान है ये। उन्होंने भरत को नहीं भेजा था, लक्ष्मण को भेजा था। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, यह है हमारे हिंदू राष्ट्र के एक प्रखर आवाज, सुनिए ना। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जो लोग राम के नाम पर वोट हासिल करते हैं, राजनीति करते हैं, उन्हें ये चीज कैसे स्वीकार हो सकती है? यानी कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक वोट्स हासिल करने के लिए भ्रामक संदेश देंगे, गलत जानकारियां देंगे, यह कहां तक स्वीकार है बताइए ना। क्या इस हिंदू राष्ट्र में इन तमाम चीजों की अनुमति है? और फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हें मौर्य का वोट हासिल करना है तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को जंग में हराया था, फिर भी सिकंदर को महान कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं कहा जाता है। सरासर गलत। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक अलग कालखंड में थे और सिकंदर या अलेक्जेंडर एक अलग कालखंड में थे। मगर चूंकि इन्हें मौर्य के नाम पर सियासत खेलनी है, वोट हासिल करनी है, इसलिए वो लोग भ्रामक बयान दे रहे हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतिहास के पन्नों के मुताबिक सिल्यूकस को हराया था। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, फिर आप बात समझ जाएंगे। इतिहास कैसे विकृत किया जाता है? इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश की जनता को भ्रामक संदेश क्यों दिए जा रहे हैं? इस हिंदू राष्ट्र में
विद्यार्थियों की आवाज क्यों नहीं है, इस हिंदू राष्ट्र में उन पत्रकारों की आवाज क्यों नहीं है जो सत्ता से सीधे और सरल सवाल पूछते हैं, जो कि हर पत्रकार का दायित्व और उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस हिंदू राष्ट्र में अगर किसान अपनी आवाज उठाता है तो उसे बदनाम क्यों किया जाता है, उसे खालिस्तानी आतंकवादी जुमलों से क्यों नवाजा जाता है। इस हिंदू राष्ट्र में बगैर किसी जवाबदेही के पिछले एक साल से तमाम एक्टिविस्ट को जेल में बंद करके रखा हुआ है। एक आध की मौत भी हो गई, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बिगड़ रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार के पास जो प्रमाण है उसमें ढेरों गुत्थियां हैं, ढेरों सवाल हैं उस पर, मगर कोई जवाबदेही नहीं है। हकीकत यह दोस्तों, यह देश एक लोकतंत्र है और हमेशा रहेगा। उसके अलावा अगर हमने कुछ करने का प्रयास किया तो ना वक्त हमें माफ करने वाला है, ना वर्तमान और ना इतिहास। नमस्कार।